ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो आप सब का स्वागत है। पेट्रोल ते डीजल दे रेटां दे विच इजाफा हुंदा जा रहा है, जिस तो बाद विरोधियों दे वल्लों भी केंद्र सरकार उत्ते जम के शब्दी वार कीते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल ते महंगाई मुद्दे उत्ते कांग्रेस दे वल्लों अज हल्ला बोल कीता गया। दिल्ली दे विच राहुल गांधी समेत कई वड्डे नेता अज सड़कां उत्ते उतर आए ते उन्हां दे वल्लों जम के भड़ास कढ़ी गई केंद्र सरकार दे खिलाफ। कांग्रेसी सांसदां दे वल्लों विजय चौंक उत्ते केंद्र सरकार खिलाफ मुजाहरा कीता गया। सो तस्वीरां भी तुहानूं दिखा रहे हैं। प्रदर्शन दौरान नेता चोणां खत्म लुट चालू इस दे नारे लगाते हुए नजर आ रहे सन। पेट्रोल डीजल दीआं कीमतां नूं वधाउणा केंद्र सरकार बंद करे, राहुल गांधी कहिंदे हुए नजर आए। सो तस्वीरां दे विच कई दिग्गज आगू इत्थे अज सड़कां ते उतरदे हुए नजर आ रहे सन। कांग्रेसी सांसदां वल्लों विजय चौंक उत्ते केंद्र सरकार खिलाफ मुजाहरा कीता गया। प्रदर्शन दौरान नेता चोणां खत्म लुट चालू दे नारे लगाउंदे हुए साफ तौर ते नजर आ रहे सन। सो महंगाई दिनों दिन वधदी जा रही है। पेट्रोल ते डीजल दे रेटां दे विच इजाफा हुंदा होया नजर आ रहा है, जिस तों बाद आम लोग ही नहीं हुण विरोधी भी सड़कां उत्ते अज उतर ही आए ने। तो तस्वीरें तुम दिखा रहे हैं। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करें। तो पूरे देश में ही हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, काफ़ी दिनों के लिए चलेगा। सरकार का बड़ी सिंपल सोच है कि जितना भी पैसा गरीबों से निकाला जा सकता है उसको निकालो और 2-3-4 बड़े उद्योगपतियों के हाथ कर दो। तो यही बेसिकली प्रोसेस यही चल रहा है। फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा जो सबसे बड़े अरबपति हैं 2-3 उनको हो रहा है, और नुकसान किसका है? नुकसान गरीबों का है, मिडिल क्लास का है। कि चुनाव के समय मैंने कहा था, देश की जनता से कहा था, पेट्रोल डीजल भर लो, अभी भर लो क्योंकि बाद में मुसीबत।